कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश भालू का गले लगाना। परमेश्वर प्रेम है। एक यूहन्ना अध्याय 4:16। भालू मेरे पौत्र के लिए उपहार था। एक विशाल भरवा पशु प्रेम में निहित प्रेम का ढेर लगाने वाली सहायता। वंडी शिशु का प्रत्युत्तर। पहले आश्चर्य। अगला एक आश्चर्यचकित विस्मय। उसके बाद एक साहसी जांच पड़ताल को उकसाने वाली जिज्ञासा। उसने अपनी थुल थुल उंगली बालू के नाक में कोंचा और जब बालू उसकी बाहों में लुढ़क गया उसने आनंद के साथ प्रतिक्रिया किया। शिशु डी ने अपने नन्हे सिर को भालू के नरम सीने पर रखकर उसे जोर से गले लगाया। एक गड़ेदार मुस्कुराहट उसके गालों पर फैल गई जब वह भालू के गद्दीदार कोमलता में अंदर घुस गया। भालू उससे वास्तविक प्रेम नहीं कर सकता था। बच्चा इससे पूरी रीति से अनभिज्ञ था। भोलेपन और स्वाभाविक रूप से उसने भालू से प्रेम का अनुभव किया और पूरे मन से उसे लौटा दिया। आरंभिक मसीहियों को लिखे अपने 3 पत्रियों में से पहली में प्रेरित यूहन्ना दृढ़तापूर्वक कहता है कि परमेश्वर स्वयं ही प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। वह लिखता है प्रेम परमेश्वर है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। वह लिखता है परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करता है। एक काल्पनिक पशु के तकिए द्वारा नहीं परंतु पसरी हुई बाहों के साथ एक वास्तविक मानव शरीर द्वारा जिसमें एक टूटा हुआ हृदय धड़क रहा था। यूहन्ना अध्याय 3:16। यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमारे साथ अपने असाधारण और बलिदानी प्रेम को संचारित किया। यूहन्ना आगे कहता है हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। एक यूहन्ना अध्याय 4:19। जब हम विश्वास करते हैं हमसे प्रेम किया गया है हम भी प्रेम दिखाते हैं। परमेश्वर का वास्तविक प्रेम हमारे लिए हमें हमारे संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से और दूसरों से प्रेम करना संभव बनाता है। प्रिय परमेश्वर आप मुझसे प्रेम करें। इसमें आप मेरी मदद करें और उसके बाद अपने संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम करने में मेरी मदद करें। लेखिका एलिसा मार्गन। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 16 मई 2019। धन्यवाद।